नमस्कार, पंजाबी टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिंह। बात करेंगे दिल्ली की सरकार की। दिल्ली सरकार अनशन पर बैठी हुई है। एलजी और दिल्ली सरकार में तलवार खिंची हुई है। 7 दिन से करीब अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों का धरना चल रहा है या अनशन चल रहा है। इसमें अब दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार से सवाल पूछे हैं। दरअसल जनहित याचिका पे सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि अगर आप धरने पर बैठे हैं तो पहले ये स्पष्ट करिए कि ये धरना है या फिर अनशन है। साथ ही सवाल खड़े किए हैं हाई कोर्ट ने पूछा है कि अगर आप एलजी हाउस में धरने पर बैठे हैं तो क्या एलजी ने इसकी परमिशन दी है आपको कि नहीं दी है। यानी कि कई सवाल जो है कोर्ट ने सरकार से पूछे हैं, दिल्ली सरकार से पूछे हैं कि ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है आखिर किस वजह से चल रहा है। वहीं गृह मंत्रालय ने आईएएस ऑफिसर के हड़ताल की बात को ठुकराते हुए कहा है कि आईएएस ऑफिसर जो हैं वो हड़ताल पे नहीं हैं, कोई भी हड़ताल नहीं चल रहा है दिल्ली में। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि इसके लिए हमारी एक अलग से टीम बनाई जाएगी और उसके बाद शुक्रवार को इस पर हम फैसला सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल मुश्किलें बढ़ती हुई दिल्ली सरकार के लिए, केजरीवाल सरकार के लिए सवालों का सामना करना पड़ रहा है हाई कोर्ट के। कोर्ट ने कहा कि आखिर क्यों बैठे हैं और किसकी इजाज़त से बैठे हैं। अगर आपको व्यक्तिगत फैसला है तो घर के बाहर करिए। हालांकि अभी इस पूरे मुद्दे पे आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमारी लगातार इस खबर पे नज़र बनी हुई है और समय दर समय हम आपको अपडेट देते रहेंगे आम आदमी पार्टी की जो प्रतिक्रिया है वो क्या आई है इस खबर पर। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों से हम आपको फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से अवेयर कराते रहते हैं, बताते रहते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।